हम लोग, मेरा नाम माजिद है, हम जेके बैंक एस्पिरेंट्स हैं। 2018 सितंबर में नोटिफिकेशन आई थी 1200 बैंकिंग एस्टेट और 250 पीओ पोस्ट के लिए। अब आज हमें पता चला है, कल तक हमारे मुंह में ये लोग टॉफी रख रहे थे कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, परसों रिजल्ट आएगा, मगर डेढ़ साल होने को आया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम है, जबकि ये रिक्रूटमेंट आईबीपीएस एक नेशनल बॉडी ने कंडक्ट किया है। हम लोग एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि अगर रिजल्ट आपके पास है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने एग्जाम कंडक्ट किया है, तो अभी ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट क्यों हुई? क्या रीजन है इसमें? जिन चोरों को पैसे खा के पीडीपी और बीजेपी ने लगाया, वो 2500 लोग नौकरी कर रहे हैं, उन चोरों को कोई नहीं निकाल रहा है। हम लोग नौकरियां छोड़ के आए हैं, एमबीए कर रहा था मैं, एमबीए छोड़ के आया, हम लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। मेरे कुछ दोस्त हैं, एक एसएमएचएस में एडमिट है जिसको हार्ट स्ट्रोक आया है सुबह, उसकी जिंदगी तबाह हुई है। हम लोगों की क्या गलती है? साफ तरीके से एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आपके पास है, निकालो। और क्या है इसमें? और हम लोगों ने क्या गलती की है? साफ तरीके से एग्जाम दिया है, रिजल्ट आपके पास है, वो रिजल्ट पब्लिश कीजिए। और अब इस चीज का हम अब ये लोग बोल रहे हैं कि नई रिक्रूटमेंट होगी। क्यों होगी नई रिक्रूटमेंट? दो साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी जिंदगी के 2 साल हमने जाया किए इस रिक्रूटमेंट की वजह से। अब ये लोग हमें बोल रहे हैं कि नई रिक्रूटमेंट, क्यों क्यों, क्या मकसद है इनका? बोल दिया, मतलब फ्रीली बोल देते हैं, समझ नहीं आ रहा है कौन सा पुश कौन सा फोर्स, ये बातें बोलने के लिए कर रहा है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है।